हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जे सड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं बिहार अमीन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार अमीन में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वर, वर्ण, व्यंजन, ध्वनि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका दो भेद होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द है सांसारिक, इसको शुद्ध रूप में, यानी शुद्ध रूप में किस ऑप्शन में लिखा गया है? आपको ये चार ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में है सांसारिक। तो फ्रेंड्स, सांसारिक का शुद्ध रूप होगा सांसारिक, यानी कि सांसारिक इस तरह से लिखा जाएगा ऑप्शन ए की तरफ। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अ प्लस न प्लस उ प्लस भ प्लस दुर्गे उ प्लस त प्लस ई। तो फ्रेंड्स, इस शब्द को, मतलब ये जो वर्ण है, इस वर्ण को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? वैसे तो बनेगा अनुभूति, अनुभूति भी देखना आपको कौन सा अनुभूति सही है। तो फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन है, चारों में अनुभूति ही लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको हर्ष उ दुर्गे उ का मतलब मात्रा को याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, तभी आप मार पाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुभूति। न में हर्ष होगा, भ में दुर्गे उ, तो अनुभूति होगा इस शब्द, इस मतलब इस वर्ण को मिलाने से बने शब्द का सही रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अतिरिक्त शब्द में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग प्रत्यय अगर आप लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए, कोई भी शब्द के पहले अगर लगकर उसका अर्थ बदल देगा तो वो उपसर्ग होगा, और जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल दे वो प्रत्यय कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिया आपको अ दिया है, अति दिया है, त दिया है, इति दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अति उपसर्ग है। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है अतिरिक्त में। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पता ही होगा अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता, अनल, पावक, दहन, ज्वाला। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तेज। तेज अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अनल हो गया, पावक हो गया, आग हो गया, ये तीनों अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तेज अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पत्थर की लकीर डॉट डॉट मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो पत्थर का लकीर है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र बनाना, पत्थर से लकीर खींचना, जिद्दी व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दृढ़ रहना, अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय करके रहना, उसी को कहा जाता है पत्थर का लकीर होना। पत्थर का लकीर का मतलब कहता है दृढ़ निश्चय, यानी दृढ़ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कवि का स्तरलिंग रूप शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, कवि का स्त्रीलिंग रूप शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कविता, बी में दिया है गायिका, सी में दिया है कवित्री, डी में दिया है काव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कवियत्री होगा कवि का स्त्रीलिंग रूप। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए, आप लोग लिंक को भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा, मतलब कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, संज्ञा तो हम लोग पहले बात जान ले, संज्ञा कहते हैं किसको है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। वैसे तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का पांच भेद होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें पूछा गया कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन। ऑप्शन में है गाय दिया हुआ आपको, दिनकर दिया हुआ है, पुस्तक दिया हुआ है, कलम दिया हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिनकर। दिनकर कोई नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तो गाँव, गाँव तो बहुत सारा गाँव, ये तो कॉमन नाउन आपका हो गया जातिवाचक। उसके बाद पुस्तक भी जातिवाचक, बहुत सारा पुस्तक है, नाम नहीं है, नाम रहता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। कलम, कलम भी है, ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सीता कलम से लिखती है। तो इस वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ, तो उस कौन सा कारक का प्रयोग हुआ आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि करण कारक है इस सेंटेंस में, क्योंकि फ्रेंड्स सीता कलम से लिखती है। तो कलम से, तो से किसका चिन्ह है? करण कारक का। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कारक जो होता है उसका आठ भेद होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपदान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, की, संबोधन। तो फ्रेंड्स, इसमें से आंसर होगा बी, यानी कि करण कारक होगा, सीता कलम से लिखती है। अगर वहीं रहता फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज बहुत बच्चा हो जाता कि से करण का भी चिन्ह है और आपदान की का भी चिन्ह से ही है। अगर बिछड़ाव होगा, अलग होगा, जब उस सिचुएशन में आप लगाइए आपदान कारक, जिस तरह पेड़ से पत्ता गिरता है वहाँ भी से है, लेकिन वहाँ आपदान कारक होगा। यहाँ पे है सीता कलम से लिखती है, यहाँ भी से है, लेकिन ये मतलब अलग नहीं है, ये सटा हुआ, चिपका हुआ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, यानी करण कारक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रजनी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में दे रखा है अंधेरा, काला, श्याम, रात्रि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी यानी कि रात्रि होगा। रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? रात्रि होगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।